प्रत्याशी जोगेश्वर गर्ग के समर्थन में चुनाव प्रचार किया गया। इस चुनाव प्रचार में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर गर्ग ने सभी ग्रामीणों से अधिक मतदान करने की अपील करी है और उन्होंने बताया कि वो ग्रामीणों के हित के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर हर कदम पर सबका साथ निभाएंगे। प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। सारे हमारे विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के चार मंडल हैं। चारों मंडलों के वर्तमान अध्यक्ष हमारे प्रस्तावक बने हैं और सारे वरिष्ठ कनिष्ठ सारे कार्यकर्ताओं ने आकर जोश के साथ नामांकन दाखिल करवाया है और इस एकजुटता के को कायम रखते हुए हम 7 तारीख को वोटिंग करवाएंगे और जबरदस्त वोटिंग करवाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है इस बार का जो माहौल जालौर विधानसभा क्षेत्र बना है वो पिछले सारे रिकॉर्ड जीत के तोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, नया रिकॉर्ड बनाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 राजस्थान के जालौर के रानीवाड़ा में वर्तमान विधायक और बीजेपी प्रत्याशी नारायण सिंह देवल भी हजारों समर्थकों के साथ पूरे दमखम से चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। इस मौके पर गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री परबत भाई पटेल, सांसद देवजी पटेल, बीजेपी के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह भी उनके साथ नजर आए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रतन देवासी चौथी बार चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में मतदान